आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे शहर शहर खबर खबर में। लखनऊ में गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का लोगो, जर्सी और गीत का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स देश में बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा 950 खेलो इंडिया सेंटर्स को मंजूरी मिल गई है। यूपी के सभी जिलों में एक एक सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि खेलो इंडिया धारणा को बदलने का प्रतीक है। पहले अच्छे खिलाड़ियों की धारणा नहीं थी, आज भारत खेलों में आगे बढ़ रहा है। मंत्रालय के माननीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री नवनीत सहगल जी, भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी खेल और युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री, उनके बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, इस सारे का खर्चा कौन वहन करे? मोदी जी की सरकार वहन करती है। और देश विदेश में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का खर्चा भी सारा मोदी सरकार सहन करती है। और ऊपर से टॉप्स के एलीट एथलीट को 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है। यही नहीं, जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है और 25,000 रुपया महीना यानी कि 3,00,000 रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है। 3,000 खिलाड़ी जो खेलो इंडिया एकेडमीज में है उनको 5,00,000 रुपया रहने सहने का खर्च करती है ट्रेनिंग का, और 1,20,000 रुपया उनको जेब खर्च अलग से देती है। 450 से ज्यादा कोचिज की नियुक्ति हमने पिछले 12 महीने में कर दी। और यही नहीं रुके मित्रों, 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स आज देश भर में बनने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अब लोगो और जर्सी भी लॉन्च कर दिया गया है, कितना प्रभावशाली रहेगा युवाओं के लिए और कितनी सुविधा मिलेगी इससे? जी नंदी, देखिए जो खेलो इंडिया की योजना लेकर जो है भारत सरकार काम कर रही है, लगातार देखा गया है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री भी इसको सपोर्ट करते हुए दिखे हैं। ऐसे में आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बकायदा इसका आयोजन किया गया, लोगो जारी की गई, जर्सी जारी की गई, बकायदा एंथम भी जो है इसका जारी कर दिया गया, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें शिरकत की और इसमें इन्होंने बताया कि खेलो इंडिया के तहत जो है खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और खेल की दुनिया में यूपी का एक बड़ा नाम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में गोलियां बरसती थी लेकिन अब शूटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, इसमें जो है उत्तर प्रदेश अपना एक अलग मुकाम हासिल करेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ज्यादा से ज्यादा पदक जीत रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के एथलीट भी शामिल है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से हर सुविधाओं को बखूबी दिया जा रहा है, जिसके बदले टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते गए, पैरा ओलंपिक में 19 और डेफ ओलंपिक में भारत ने कुल 20 पदक जीते थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है अब विकास के रथ पर सवार हो चुका है और हर वर्ग की बात करें, चाहे वो खेल का सेक्टर हो जहाँ खिलाड़ी जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मंत्री गिरीश चंद्र रावत का बयान था कि 200 से ज्यादा विश्वविद्यालय से यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, बकायदा कई कोचेस को हायर किया गया था, खेलों को बढ़ावा के लिए कई कार्यक्रम जो है वो उठाए जा रहे हैं, इस दिशा में नए नए कदम उठाए जाते हैं और हर जिलों में ऐसी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो खेलों के बारे में प्रदेश की जनता को जागरूक करे। और ये माना जाता है कि केंद्रीय
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी बयान दिया था कि जो जंतर मंतर में पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपना धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो मांग थी पहलवानों की एफआईआर दर्ज करने की वो पूरी हो चुकी है, बकायदा अब उसके लिए वो हाईकोर्ट जाए। तो कुल अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला बंद किया और खुल के जो है इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बातचीत की थी। जी बताया जा रहा है विवेक के हर एक एक जिले में एक एक सेंटर्स खोले जाएंगे, तो जो खिलाड़ी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा इससे सुविधा मिलेगी और आसानी रहेगी उन्हें आगे बढ़ने में। जी बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र की बात की जाए तो अगर सरकार थोड़ा ध्यान देती है तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा होता है। इसके पहले हमने देखा है कि किस तरीके से मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो न होने के बावजूद इस देश की माटी के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। अब ये बेहद जरूरी हो गया है कि उन खिलाड़ियों की जो पहचान बनी है वो पहचान बनी रहे और हर वर्ग से जो है हर खेल के अलग अलग क्षेत्र से जो है कोई न कोई खिलाड़ी जो है ऐसा आता रहे जो इस स्पर्धा को आगे तक लेके जाए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। सीएम योगी शुक्रवार को मेरठ सहित हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर में जनसभा करेंगे। इन जिलों में दूसरे चरण में चुनाव है। गुरुवार को वेस्ट यूपी के कुख्यात अनिल दोजाना का मेरठ एसटीएफ ने एनकाउंटर कर ढेर कर दिया है। दूसरे ही दिन योगी यहां जनसभा करने आ रहे हैं। ऐसे में सियासी माहौल और गर्मा गया है। योगी एक साथ चार जिलों में सभा कर वहां मतदाताओं को साधेंगे और भाजपा के प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। मेरठ जिमखाना मैदान, हापुड़ के रामलीला मैदान, दिल्ली रोड, बुलंदशहर के नुमाइश मैदान और गाजियाबाद के कबीर नगर रामलीला मैदान में योगी की जनसभाएं होंगी। तो बता दें दूसरे चरण को लेकर सीएम योगी अब लगातार जनसभाएं करेंगे। आपको बता दें कि हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद बुलंदशहर में चुनाव प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएंगे। अपने प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगेंगे। पहले प्रथम चरण में भी देखा गया कि लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं किए, लोगों से अपील किए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है निकाय चुनाव को लेकर बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री एक एक दिन में चार पांच जनसभाएं करते हैं, चार पांच जिलों में जाके लोगों से अपील करते हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हैं। आपको बता दें कि आज गाजिया बुलंदशहर और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ में जनसभाएं की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है दूसरे निकाय चुनाव के लिए, दूसरे चरण के निकाय चुनाव के लिए लगातार जो है जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से अपने प्रत्याशियों के बीच में जाकर वहां उनके लिए अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ेंगे। प्रवीण, दूसरे चरण के लिए सीएम योगी अब जनसभाएं लगातार कर रहे हैं, बिल्कुल एक्टिव मोड में आ चुके हैं सीएम एक बार फिर से। जी बिल्कुल, देखिए नंदनी आपको बता दूं, आज जैसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के दौरे हैं लगातार, हापुड़ से लेकर मेरठ बुलंदशहर लगातार उनकी जनसभाएं हैं जिनको वो संबोधित करेंगे। खासतौर पर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद कबीर नगर रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं समेत जितने भी यहाँ के जनसंपर्क करेंगे लोगों से, और जो नगर निकाय चुनाव है उसको लेकर खासतौर पर एक रणनीति के तौर पर यहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश भरेंगे। इस तरह से लगातार कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए शाम तकरीबन 5:30 बजे योगी आदित्यनाथ रामलीला मैदान पहुंचेंगे। अगर बात करें नगर निकाय चुनाव की, यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां पर प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं। आगामी 11 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव यहां गाजियाबाद के में भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर खासतौर पर एक रणनीति बनाई जा रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और जो कि लगभग ये मान के चलिए कि लगभग जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो गाजियाबाद के रामलीला मैदान में पूर्णता जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूर्ण कर लिया गया है। यहाँ पर लगभग जो सुरक्षा कर्मी है 2000 पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया, आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे, डीएम से लेकर सभी यहाँ के जो कप्तान, यहाँ के जो कमिश्नर है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि अतीक अहमद की मुठभेड़ के बाद, उसका एनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वहाँ पर मीडिया को भी खासतौर पर चेक करके आगे पंडाल के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ सामने मौजूद रहेंगे,
मंच पे तो कहीं ना कहीं इस बार जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक दम अपनी पार्टी के लिए जो भर रही होगी आदित्यनाथ, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर देखी जा रही है चीज। प्रवीण, कहा जा रहा है की मेरठ में गैंगस्टर को मारा गया है, मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इससे जो सियासी माहौल है वो थोड़ा सा गर्म हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार इस तरह के सवाल तो उठा ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे हैं, वहां पर भी उनकी जनसभा है, तो कहीं ना कहीं मेरठ में जिस तरह से अनिल गुजांगा का एनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा जो किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश को मिली है। योगी आदित्यनाथ तो इसको कहीं ना कहीं इस मामले में भी मीडिया सवाल करेगी तो उनका रिएक्शन क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो कुख्यात अपराधी यानी कि दिल्ली एनसीआर समेत कई ऐसे जो राज्य हैं या कई ऐसे जिले हैं जहां पर उसकी कई मुकदमे दर्ज है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं उसका अंत हो चुका है। जिस तरह से अतीक अहमद के साथ एनकाउंटर हुआ, जिस तरह से पत्रकार के भेष में बनकर जिस तरह से प्रयागराज में उन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई को जिस तरह से मारा है, तो कहीं ना कहीं उससे अब जो है जनता जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के तरफ एक रुख बनाए हुए है। जनता ये देख रही है कि जो कुख्यात अपराधी है उनका खात्मा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उस बात को भी मंच से कह सकते हैं। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो 5 अलग अलग जनसभाएं करेंगे। सपा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सपा अध्यक्ष उनके समर्थन में ही जनसभा करने यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि सपा का यहाँ कोई खास जनाधन नहीं है, लेकिन 4-5 सीटों पर सपा उम्मीदवार खासा पसीना बहा रहे हैं और पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव भी यहाँ पार्टी संगठन में जान फूंकने की कोशिश करेंगे। तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पर 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, अपनी पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का कर्नाटक में कोई खास जनाधन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रत्याशी वहां पर खड़े हुए हैं तो एक मजबूत आधार माना जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूती दिखाने के लिए वहाँ पर 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव प्रचार करेंगे अपनी प्रत्याशियों के लिए। तो वहीं कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, कर्नाटक में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। कर्नाटक में इस बार समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिनको लेकर जिनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, अपनी प्रत्याशियों के लिए वहां पर जाके वो लोगों से अपील करेंगे और जनसभाएं करेंगे। बता दें कि कर्नाटक में चुनाव है 10 मई को, जिसको लेकर अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचेंगे। 3 दिवसीय दौरे के बीच वो 5 जनसभाएं करेंगे, अपने प्रत्याशियों के लिए वो वहां पर वोट की अपील करेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर है, अपनी प्रत्याशियों के लिए वो मैदान में उतरे हैं, वहां पर 5 जनसभाएं करेंगे, लोगों के बीच जाकर वहां पर उन्हें अपनी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर्नाटक में। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर बीजेपी का तूफानी प्रचार जारी है। वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक आज पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। पीलीभीत के पूरनपुर रामलीला ग्राउंड में जनसभा करेंगे, साथ ही आज दोपहर 12:55 पर बरेली के सिविल लाइन में जनसभा करेंगे। इसके अलावा दोपहर 2:20 पर शाहजहांपुर के गांधी हॉल सभागार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण के चुनाव के लिए लगातार बीजेपी अब फिर से एक बार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद शान जुड़ेंगे शाहजहांपुर से। शान, क्या कुछ तैयारी की गई है? उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक वहां पर पहुंच रहे हैं जनसभा करने के लिए। सनी जी, आपको बता दें कि बृजेश पाठक किशन जो है वो यहाँ पर करीब 2 बजे का जो है समय रखा गया है और यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन, मतदाता सम्मेलन होना है गांधी भवन में शाहजहांपुर के। यहाँ पर सुबह से ही तैयारियां लगी हुई हैं, उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर उनका ये दौरा यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर ये लगाया गया है और वोट मांगने की अपील भी वो गांधी भवन से करेंगे। मोहम्मद शान, शाहजहांपुर में किसका मुकाबला देखा जा रहा है? देखिए, अभी तक तो वोटरों का, जैसे कि जो यहाँ पे 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक तो समाजवादी पार्टी से माला राठौर जी खड़ी हैं, दूसरा जो है कांग्रेस से निखत इकबाल खड़े हुई हैं और बीजेपी से जो है अर्चना वर्मा जो लगातार इनको जो है हर वार्ड में जा रही है और समर्थन भी इनको वो मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं अभी जो वोटर है वो यहाँ का ये है कि वो किधर जाएगा ये तो मतलब जो है एक दिन पहले या 11 मई का दिन तय करेगा, मगर अपने अपने जीत के दावे जो है यहाँ पर सभी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात जो ये यहाँ पर जो कड़क जो आ रहे हैं अब जो कितना यहाँ के लोगों को प्रभावित कर पाएंगे ये तो 11 मई का दिन तय करेगा। मोहम्मद शान, शाहजहांपुर में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं शाहजहांपुर में और किन किन जगहों पर कर सकते हैं? नहीं, अभी तो इनका केवल जो है जो गांधी भवन प्रक्षेत्र है यहाँ पर ही प्रबुद्ध वोटर सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है जहाँ पर सारे कार्यकर्ता सारे लोग यहाँ एकत्र होंगे, यहीं से वोट की वो अपील भी करेंगे ऐसा मतलब यहाँ के जो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी उन्होंने बताया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारी पूरी चल रही है और ये 2 बजे का जो उनका प्रोटोकॉल है तो दिया है वो 2 बजे का दिया है, अब वो 2-3 बजे तक वो रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद शान। बीजेपी का विपक्षी दलों में सेंधमारी जारी है, जहां बसपा के बड़ौस से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अंकित शर्मा, राष्ट्रीय लोकदल की आगरा की पूर्व जिलाध्यक्ष कुसुम चाहर, मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर गोविंद भाटी, सपा लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनूप सिंह बारी, अयोध्या के जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान सिंह, लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनुज यादव सहित कई अन्य नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो लगातार जिस तरीके से नगर निकाय चुनावों में प्रचार प्रसार का दौर जारी है, वहीं एक तरफ बीजेपी का सेंधमारी भी जारी है। लगातार जो है प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिला या किसी कारण वो अपने पार्टी से नाराज है, वो बीजेपी का दामन अब थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीएसपी नेता गोविंद भाटी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लगातार एक पार्टियों का बदलना जारी है, भाजपा विपक्षी दलों में सेंधमारी में आगे निकल रही है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने इन सभी लोगों को सदस्यता दिलाई है। निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार पार्टियां अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं, वहीं बीजेपी जो है विपक्षी दलों में सेंधमारी करने में आगे निकल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, बीजेपी कहीं ना कहीं सेंधमारी में बहुत ही ज्यादा आगे निकलती जा रही है, लगातार जो है बृजेश पाठक कई लोगों को सदस्यता अब तक दिला चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से निकाय चुनाव का पहला फेज शुरू हो चुका था तो भारतीय जनता पार्टी जो है सदस्यता अभियान जो है जिस तरीके से चला रही थी, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलाना हो या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिलाना हो। इधर अगर सेकेंड फेज की बात की जाए तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से जो है राष्ट्रीय लोकदल के एक अलग कुंबा जो है वो निकल के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं ये विपक्षियों के लिए नुकसान का संदेश देता हुआ दे रहा है। आज भी अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई, जिसमें बीएसपी नेता गोविंद भाटी बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद सपा नेता मुकेश राज भटनागर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए।
लोहिया वाहिनी उपाध्यक्ष अनूप बारी भी बीजेपी में सम्मिलित हो गए और बीएसपी के अंकित शर्मा, रेड्डी कुसुम झा, इसके अलावा धीरज सिंह परशुराम सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जिस तरीके से निकाय चुनाव से लेकर आगामी लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना के जो है वो विपक्षियों को धराशायी करने पर आमदा है, ऐसे देखा जा सकता है कि तमाम जो नेता है दूसरे दलों के वो अपने दलों को छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हर किसी नेता अगर बात की जाए तो वो सत्ता पक्ष से जुड़ाव रखना चाहता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार में है और राज्य में भी सरकार में है, ऐसे में सभी नेता जो है जब अपनी पार्टी में उनकी दाल गलती नहीं दिखाई दे रही, अपनी पार्टी का अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है वो ले रहे हैं। और इस अभियान में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने डिप्टी सीएम को जिम्मा दिया है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिम्मा बखूबी से निभा भी रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आज वैशाख माह की पूर्णिया तिथि है और इस तिथि को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाई जाती है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। सीएम योगी ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी। सीएम योगी ने कहा, भगवान बुद्ध के संदेश सदैव हम सभी को प्रेरित करेंगे। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।